किसी को, वो अब्बू मेरी बड़ी अच्छी बात करते हैं कि बेटा अगर आप किसी को गुड़ नहीं दे सकते ना तो कम से कम गुड़ जैसी बात तो कर लो किसी के बारे में। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं जा रहा था एक्सरसाइज करने के लिए, रनिंग करने के लिए, सोचा तो एक वीडियो बना लूँ। मैं एक पॉजिटिव एक फीडबैक देना चाहता हूँ ना, ये वीडियो को आपने मेरी आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिलेगा और एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। आपको पता है कि मेरे चैनल जो है वो है व्लॉग्स का, तो जितने भी व्लॉगर्स हैं मैं उनकी जर्नी को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर मैं फीडबैक भी अपना देता हूँ। वो ये है कि यार अपना मुल्क जो है ना वो अपना मुल्क होता है। मैं 10 साल जो है ना परदेश रह के आया हूँ दुबई, 10 साल जॉब करता रहा हूँ मैं वहाँ पर, 10 साल अब यहाँ आया हूँ पाकिस्तान। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो परदेश से यहाँ आते हैं ना तो सेट बहुत कम होते हैं, फिर वापस जाना पड़ता है उनको जॉब के लिए, या कुछ भी करते हैं वहाँ पर तो जॉब के लिए जाना पड़ता है। तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम दैट आई एम थिंकिंग एंड प्लानिंग अगेन टू गो बैक इन दुबई टू गेट द जॉब, बिकॉज इन पाकिस्तान में मैं सेट नहीं हो पा रहा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। खैर वो अनदर टॉपिक है, अनदर बात है। व्लॉग्स जो है मैं मोस्टली व्लॉगर्स को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ उनकी जर्नी को देखता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बड़े डीपली ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ उनके हर व्लॉग्स में, उनकी व्लॉग्स के पूरे चैनल को बड़े डीपली ऑब्जर्व करता हूँ मैं। अजान भी हो रही है, हक सदाकल हक। यहाँ मैं बात करूँगा सौरभ जोशी के बारे में। सौरभ जोशी जो है इंडिया का व्लॉगर है, काफ़ी बड़ा व्लॉगर है और बड़े माशाल्लाह उसने जो है ना सब्सक्राइबर इकट्ठे किए हुए हैं, अच्छे व्लॉग्स बनाता है। अब आपने एक चीज़ नोट की है कभी कि जो व्लॉग्स बनाता है मोस्टली व्लॉगर्स ऐसे हैं जो बाहर की कंट्रीज में जाके, कोई दुबई चला जाता है, कोई तुर्की चला जाता है, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई कहाँ चला गया, मोस्टली दुबई और तुर्की लोग जाके व्लॉग शूट करते हैं मोस्टली व्लॉगर। मोस्टली जब थोड़ा सा नाम बन जाता है, सब्सक्राइबर इकट्ठे होते हैं, 4 पैसे आने लग जाते हैं, बाहर जाके वीडियो शूट करते हैं। सौरभ जोशी का कोई ऐसा व्लॉग मैंने नहीं देखा कि इसमें बाहर की किसी कंट्री में जाके व्लॉग शूट किया हो। पहाड़िया अपने ही एरिया में, अपने ही मुल्क में रह के और अपने ही कम्युनिटी को और अपनी ही फैमिली को और अपने ही बहन भाइयों को सपोर्ट करता है और उनको प्रमोट करता है, उनकी वीडियोस बनाता है और उन्हीं के व्लॉग्स बनाता है। और उसकी हर वीडियो, हर व्लॉग जो उसका है वो मेरे ख्याल में 5 मिलियन से ऊपर होती है, 5 मिलियन क्रॉस होती है उसकी हर व्लॉग। तो ये एक गुड बात है, एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है जो मैं उसके बारे में देना चाहता हूँ। यार ये अपना मुल्क जो है ना, अपना मुल्क होता है। सो ये एक पॉजिटिव एक ऑब्जर्वेशन थी, एक पॉजिटिव फीडबैक था जो मैं उसके बारे में देना चाहता था। तो ये हम सब लोगों के लिए मैसेज है कि वीडियोस आप कोई भी बनाए, कंसिस्टेंट हो, रेगुलर बनाए, अच्छी बनाए, अच्छी बात करें। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें पॉजिटिव बात करें ताकि किसी दूसरे की दिल लजाई ना हो किसी को। वो अब्बू मेरी बड़ी अच्छी बात करते हैं कि बेटा अगर आप किसी को गुड़ नहीं दे सकते ना तो कम से कम गुड़ जैसी बात तो कर लो किसी के बारे में। तो ये एक अच्छी बात थी जो मैं उसके बारे में करना चाहता था। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और एक फीडबैक अच्छा लगा होगा मेरा। अब टाइम है रनिंग का, मैं करूंगा रनिंग, रनिंग के बाद घर जाऊंगा। तो अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट गुड बाय एंड टेक केयर, खुदा हाफिज़।